को देखा अपने सामने लाइफ में आते हुए तो क्या रिएक्शन था आपने, क्या पहली थॉट्स गई आपके दिमाग में? I don't know, मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं इन चीज़ों के बारे में, but when I was doing it, I was fine with it. I was just worried कि you know इतने अरसे के बाद I'm doing a Punjabi character, but SN was very helpful and my writer Saima जो थी उनसे भी मैं फ़ोन पे बात करती रहती थी. बट ये कि जब वो हुआ और eventually जब मैंने देखना शुरू किया ना, तो फिर मुझे खामियाँ नजर आने की, अच्छा मुझे इसको और ये करना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे बहुत बना हुआ लग रहा था, ये मुझे नकली लग रहा है, ये कच्ची एक्टिंग थी, इसको थोड़ा पक्का करना चाहिए. बट वंस आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड एज इट प्रोग्रेस्ड, तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता यू नो आई स्टार्टेड सेटिंग इट, और वो फिर आपके अंदर ना वो आना शुरू हो जाता है, फिर मुझे वो नेचुरली पता चल गया कि हाँ. बल्कि जब मैंने पहली दफ़ा नवाकट्टा पढ़ा तो मैंने कहा कि एहसन मैं ये नहीं बोल रही, ये क्या बकवास लाइन है, और यार ये क्या है. एहसन ने मुझे कहा यार तुम बोल दो और ये बहुत अच्छी लाइन है और ये तुम्हारा तकिया कलाम होगा, ये हर बात में बोला करेगी नवाकट्टा. मैंने कहा एहसन मेरा नहीं ख्याल कि ये वो डायरेक्ट हवलदार वाले दिन है कि यू नो एक ज़माना होता था कि PTV के हर प्ले के अंदर हर कैरेक्टर का एक वो होता था, खास जुमला होता था जो कि पक्का हो जाता था, जैसे माचिस होगी आपके पास या फलाना. तो मैंने कहा कि मैंने तो मैंने कहा कि एसन डू यू थिंक, तो एसन ने कहा यार जस्ट डू इट, आई एम टेलिंग यू. एंड आई द फर्स्ट टाइम आई सेड इट नवाकट्टा खुल गया तो मुझे लगा कि नहीं यार ये बहुत, आई हैड नो आइडिया, दिस वाज वन थिंग दैट आई हैड नो आइडिया अबाउट, दैट पीपल वुड रिपीट इट सो मच, देयर विल बी मीम्स अबाउट इट, पीपल वुड लव इट सो मच. So yeah. I'm glad I did it. You know, sometimes you have a wrong like perception of something and you think ये नहीं, ये नहीं होना चाहिए. तो ये चीजें आपको वैसे ही पता चल जाती है. अच्छा मुझे ये बताएं, शहाना का जो कैरेक्टर था, अब आप if you are here, अब हम सुलो चंदा और शहाना की बात नहीं करें तो ये तो हो नहीं सकता. नहीं बताओ. वैसे कभी कभी आपको लगता है कि शहाना का कैरेक्टर जो है वो एक आइकॉनिक अल्टीमेट कैरेक्टर हो जाएगा आपकी लाइफ का, आपके करियर का? जब मैंने शाश्ले किया था ना, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल आई डिड सुनो चंदा, आई वाज कॉल्ड मिशी, लाइक वेयर एवर आई वुड गो पीपल वुड रिमेंबर चीकू मिशी. मैंने इतना काम किया एंड दैट वाज अबाउट 20 इयर्स बैक, यू नो शाश्लिक जो था. सो उसके बाद अब जब से वो जब से सुनो चंदा आया एंड आई डिड शहाना कैरेक्टर, एवरीबडी कॉल्स मी शहाना नाउ. लाइक मैं कहीं भी जाती हूँ ना शहाना, बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे मिलते हैं और कहते हैं हम आपको शाश्लिक भी देखते थे और अब हमने आपका शहाना वाला भी देखा है. सो शहाना. सो लाइक इट्स बिकम लाइक दैट नाउ. आई थिंक पहले इट वॉज मिशी एंड नाउ इट्स शहाना. मुझे लगता है 20 साल के बाद एक नया चीज़ मिली, क्या पता 20 साल अगर मैं और जिंदा रही तो शायद कोई और चीज़ आ जाए. तो शहाना की जो ड्रेसिंग थी पूरी और वो जो एक लुक है वो कैसे आई थी, आपका था? नहीं बिल्कुल मेरा नहीं था, दैट वॉज MD प्रोडक्शंस एंड आई थिंक एसन हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ उनका था, डिज़ाइनर थी कोई उनकी इन हाउस डिज़ाइनर, तो उन्होंने सोचा हुआ था कि इस तरह का होगा, टिपिकल पंजाबी ड्रेसिंग होगी यू नो, एंड नॉट टिपिकल पंजाबी लाइक लाहौर बट लाइक फ्रॉम इंटीरियर थोड़ा सा गाउन साइड का, कि यू नो जिस तरह की थी वो हमेशा उसी तरह रही है, तो परांदे भी पहनती है और उस तरह के रंग बिरंगी कपड़े भी पहनती है, शी इज़ वेरी लाउड मेकअप वाइज भी, और उसे बहुत शौक है जैसे पंजाबी मदर्स होती है. अच्छा मुझे ये बताएं, कभी ऐसा होता है कि जब आप कह रही थी शहाना का कैरेक्टर तो नॉर्मल लाइफ में किसी से बात करते करते naturally आपने एकदम शहाना की तरह बात करनी शुरू? मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बट यू नो वट शहाना कैरेक्टर इज़ वेरी मच लाइक मी, लाइक शी वॉज वेरी मूफा टाइप, वेरी आउटस्पोकन, वेरी ऑनेस्ट इन वॉट गिविंग हर ओपिनियंस एंड शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर एवरीबडी. तो वो मेरा नेचुरल भी इसी तरह का है. मैं मुझे बल्कि बहुत हर जगह ये कहा जाता है कि नादिया कुछ भी बोल देती है और ये कुछ भी कह देती है. सो शहाना इज़ वेरी क्लोज टू माई लाइक माई पर्सनैलिटी. मेरे हाथों में नहीं है ये, मेरे हाथ हैं ये देखिए. मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई टू एज मेनी मैसेजेस आई कैन, बट मसला ये है कि ये मेरे हाथ में नहीं है. MD प्रोडक्शंस, मोमिना दुरेद, सुल्ताना आपा, ये उनके हाथ में है कि वो season 3 बनाना चाहते हैं कि नहीं, बिकॉज दैट्स द प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया था. इंडियन फैंस के लिए मैं बता दूँ, जैसे आपकी एकता कपूर है ना, उस तरह हमारी मोमिना दुरेद है. सो आपने अगर लिखना है तो हम TV को लिखें, MD प्रोडक्शंस को लिखें, मोमिना को लिखें. मैं आई एम जस्ट एन एक्टर, तो मैं बिल्कुल नहीं, आई वुड वॉन्ट के हो जाए सब बहुत अच्छा था, आई वुड रियली वॉन्ट टू परफॉर्म फॉर यू पीपल अगैन, बट इट्स नॉट इन माई हैंड, सो आई एम रियली सॉरी. तो हमें आंसर नहीं मिल रहा आपसे? नहीं, लेकिन बिकॉज देवर नो देवर टॉक्स अबाउट इट बट आई डोंट नो, बिकॉज आई आस्क द राइटर. मैंने साइमा से पूछा, शी सेड नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा और मुझे नहीं पता. सो इफ इट इज, तो फिर आई डोंट नो, कोई बहुत ही रैप्स में छुपा हुआ होगा. हमारे पास इस सवाल का जवाब है. तो मुझे ये थोड़ा सा फील होता था कि एट टाइम्स माई क्रू वुड
have a problem taking orders from me, but once they got to know me, तो फिर वो सारे आहिस्ता आहिस्ता सेट होने लग गए. और अब तो खैर इतना वक्त गुजर गया है कि यू नो मैं अब मैडम भी नहीं हूँ, ना मैं आपा हूँ, ना मैं बाजी हूँ. लाइक फॉर पीपल हु आर माई टेक्निकल क्रू या पीपल आई वर्क विद, आई एम ऑलवेज बॉस. They call me sir ji ya boss and I love them because they treat me so nicely. So nahi mujhe ab because abba mere itne saath rahe, mere my family was completely supportive of what I was doing, mujhe as such itna problem nahi hua. Matlab hote hain kahin na kahin, but aapko apne aap ko khud manage karna hota hai. I guess main shuru se hi itni zyada outspoken thi कि अगर मुझे कभी किसी ने कुछ कहा भी या कहीं पे मुझे कोई इशू आया भी, मैंने उसी वक्त वहीं पे मुंह पे सही कर दिया. कहते हैं ना मकूट अपना मकूट अप दिया. या सो आई थिंक मे बी आई वॉज अ लिटिल ब्रेव दैट वे बिकॉज ऑफ माई मदर. बिकॉज अम्मा ने हमें यही सिखाया कि जो जहाँ पे आपको मसला हो उसी वक्त बोल दो और उस किस्से को वहीं पे ख़त्म कर दो. बल्कि मैं पूछने ही वाली थी इस बात पे डायरेक्शन.